अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। इस मौके गृह मंत्री जम्मू में सीआरपीएफ के 73वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज देश भर में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को प्रतिबंधित लगाने का आदेश दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अफगानिस्तान में 7:23 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई। बीती रात शाम फिरोजपुर शहर की बस्ती भट्टियों वाले में स्थित रेलवे फाटक के नजदीक एक साइकिल सवार व्यक्ति की ट्रॉले की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। शाहजहांपुर की पुवाइया तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में बीती रात आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। डीसीपी सौरभ त्रिपाठी ने मुंबई सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। वह अंगदिया रंगदारी मामले में आरोपी हैं। मध्य प्रदेश के धार में दसाई पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट की। इस मौके एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आगे की कार्यवाही जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,075 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 71 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।